जापान में प्रधानमंत्री के जोरदार स्वागत के विस्तृत रिपोर्ट। भारतीय वक्त के मुताबिक प्रधानमंत्री सुबह 5 बजे जापान के टोक्यो पहुंचे। एयरपोर्ट का माहौल जो था वो ये बता रहा था कि विदेशों में रहने वाले भारत वंशियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू जो है वो जस का तस कायम है। जरा देखिए और इस रिपोर्ट को देखकर भ्रमित मत होइएगा, ये हिंदी पट्टी के किसी राज्य की रिपोर्ट नहीं है, जापान की रिपोर्ट है। मोदी मोदी के नारे, समर्थकों का जोश और हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री। पहली नजर देखने में यही लगेगा कि हिंदुस्तान में पीएम मोदी अपने फैंस के बीच हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये जापान की राजधानी टोक्यो का एयरपोर्ट है, जहां पीएम मोदी के विमान ने आज अल सुबह लैंडिंग की और पीएम के नीचे उतरते ही ये नजारा दिखा। ये तस्वीरें हिंदुस्तान में तो सैकड़ों बार देखी और दोहराई जा चुकी हैं, लेकिन पीएम के विदेशी दौरों में भी ऐसा नजारा सबूत है इस बात का कि देश की सरजमी से दूर दुनिया के हर कोने में बसे भारतवंशी भी प्रधानमंत्री के कितने मुरीद हैं। टोक्यो में भारतीयों की इस गर्म जोशी का पीएम ने भी उतने ही जोश से जवाब दिया है। मोदी दिल खोलकर अपने लोगों से मिले, बच्चों को दुलारा, बड़ों से बात की। जापान में 40,000 भारत मूल के लोग रहते हैं और उनमें पीएम के जापान दौरे को लेकर कैसा उत्साह है ये उसकी वानगी भर है। लोग सज धज कर तैयार होकर पहुंचे। यहाँ पर लोग, क्या बच्चे क्या बड़े, सारे के सारे यहाँ पर आए हैं। इसके आगे वो रुकते हुए मिलते गए हैं आप सब। इस बार मोदी जी ने सबसे हाथ मिलाया है, इस तरफ भी गए हैं, उस तरफ भी गए हैं, छोटी बच्चों से नाम पूछा है और दिल उनसे मिलके बहुत खुश हो जाता है। पीएम ने काफी देर तक भारतवंशियों से बात की, जोश के साथ उनसे हाथ मिलाया। बच्चों के सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। कुछ बच्चों से पीएम ने बात भी की। जिन बच्चों से पीएम मिले उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? बहुत अच्छा जानते हो। पीएम से मिलकर ये आप लाई थी, ये किसने स्केच किया है? मैंने। अच्छा, पीएम ने देखा? हाँ, उन्होंने देखा और अच्छा। उन्होंने मेरा नाम पूछा एंड फिर उन्होंने मेरे सर पर टैप किया। अच्छा, आशीर्वाद दिया। यस। आपका? मैंने ये बनाया है, एक पोएम है और मैंने उनका स्केच भी बनाया। हाँ। अच्छा, मैं गाऊं? हाँ, गाकर बताओ। आज ये शुभ दिन, भारत के विश्व नेता से मिलने का दिन, उगते सूरज के इस भूमि में मोदी जी के स्वागत का दिन। मोदी जी के 4 शब्द प्रेम, धैर्य और प्रोत्साहन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के जिस भी मुल्क में जाते हैं वहां रह रहे भारतीय मूल के लोग उत्साह के साथ उनके स्वागत के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए पहुँचते हैं और जापान में भी यही प्यार और अपनापन देखने को मिला। टोक्यो से श्वेता सिंह, आज तक। तो जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो राम को लाए हैं ये नारे लग रहे हैं जापान के अंदर। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचे तो कैसे आज बच्चों ने भी उनका स्वागत किया। अलग अलग जगह के बच्चे जो थे वो यहां पर पहुंचे, भारतीय मूल
कि ये बच्चे प्रधानमंत्री के पास पहुंचे। प्रधानमंत्री ने ये देखिए तिरंगे से जुड़ी जो चीजें हैं वो उन्हें बनाकर भेंट की, उसमें मैसेजेस थे और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी हस्ताक्षर करके उन्हें ये भेंट के तौर पर वापस कर दी। तीन भाषा लिख दिया और इन तस्वीरों के बाद अब सीधे रुक करते हैं हमारी सहयोगी श्वेता सिंह के पास जो जापान में मौजूद है। श्वेता, 40 घंटे का यह दौरा जिसमें एक राष्ट्रपति, दो प्रधानमंत्री, 35 सीईओ से मुलाकात है, लेकिन जो तस्वीरें आपने वहां से भेजी हैं ऐसा लग रहा है कि किसी हिंदी पट्टी के राज्य की हैं, जो राम को लाए हैं, काशी को जो बनाए हैं। बड़ी उत्सुकता है प्रधानमंत्री को लेकर यहां लोगों में। देखिए, भारतीय समुदाय तो हर जगह, मुझे लगता है कि भारत के बाहर जहां भी भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री जाते हैं वो उत्साहित इसीलिए होते हैं क्योंकि अपने घरों से अगर दूर इतना रहते हैं, इससे पहले हम देखते नहीं थे कि कोई भी इतना समय निकालकर हमेशा जहां भी जिस भी देश में जा रहा हो वहां पर जाकर मुलाकात जरूर करता था भारतीय समुदाय से। आपको बता दें शुभांकर कि पहले से ये तय नहीं था कि प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को मिलेंगे और उनको संबोधित करेंगे, लेकिन इसके लिए समय निकाला गया, उन्होंने समय तय किया कि किस समय जाकर वो मुलाकात कर सकते हैं। जापान में चूंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, चूंकि हमारी सांस्कृतिक जो एक नज़दीकियाँ रही हैं वो बहुत ज़्यादा रही हैं, आपको आम लोगों में भी लोग मिल जाएंगे जो हजारों साल के रिश्तों की बात यहाँ पर कर देते हैं, तो वो चीज़ें रहती हैं। इसीलिए जब होटल के सामने जब उतनी संख्या में यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग दिख रहे थे, बच्चे अलग अलग तरह से तैयार होकर आए हुए दिख रहे थे, तो लोग भी गुजरते हुए मुस्कुराते हुए जाते हैं। योग देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है। योग दिवस पर खासकर जापान के लोग हैं वो बहुत उसमें शिरकत करते हैं और स्थानीय लोग तो बहुत उत्साहित हैं जो कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आज शाम यहाँ के हिसाब से 7:30 बजे। ठीक है श्वेता, आपकी रिपोर्ट्स लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो नेताजी की स्मृतियों से जुड़ी हो या जापान के प्रधानमंत्री कवरेज को लेकर।